hi everyone in this video we will understand how we can solve such type of set in this set we are given that each of the five students a b c d and e attended a workshop on each of the five topics that is qa gk va lr and gd in a week starting from day 1 and ending on day 5 exactly five workshops were organized on each of the five days no two of which were on the same topic

ऑन विच डी अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन डे फाइव दिस टॉपिक वॉज नॉट वी ए तो हम वेरिएबल ले, ले लेते हैं ए हेयर एंड ए हेयर और हमें पता है कि जो हमारा ये ए है वो वी ए नहीं है बी अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन क्यू ए जी के एंड एल आर ऑन डे वन डे थ्री एंड डे फाइव रिस्पेक्टिवली क्यू ए जी के एंड एल आर डी अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन जी डी ऑन डे थ्री जी डी ऑन डे थ्री और वर्कशॉप ऑन क्यू एन डे फोर तो यहाँ पर हमारा क्यूए नहीं आएगा वर्कशॉप ऑन डे वन ऑन द सेम टॉपिक ऑन विच ए अटेंडेडॉप ऑन डे फाइव तो वेरिएबल ले लेते हैं बी एंड पी अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो देखिये जो हमारा ये ए है हमें इतना पता है कि डे वन में हमारे सभी फाइव टॉपिक्स आएंगे क्योंकि हमें given है है exactly no तो हमें जो पता है कि पे सभी five different topics चाहिए क्यू ए ऑलरेडी हो चुका है एल आर हो चुका है ठीक है अब एक ही प्लेस पर क्या मैं जी डी ला सकता हूं ध्यान से समझना क्या एक ही प्लेस पर मैं जी डी ला सकता हूं आ... जी डी ला सकता हूं क्या मैं ये देखिये जीडी नहीं ला सकता मैं क्योंकि देखिए अगर मैं एक ही प्लेस पर जीडी लाऊंगा तो जीडी मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा और अगर आप देखें हमें ये भी गिवन है कि ईच ईच ऑफ ऑफ द द फाइव फाइव स्टूडेंट अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन तो अगर हम डी के लिए देखें तो यहाँ पर हमें सभी फाइव डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए होंगे ओके तो डी जी डी एंड जी डी हमारा टू टाइम्स हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है तो जी डी इज नॉट पॉसिबल ए की वैल्यू हमारे जी डी भी नहीं पॉसिबल है अब हमारे पास रह गया है वी ए और जीके वी एर जीके अब हमें ये गिवन है कि एक हमारा दिस टॉप द टॉपिक वॉज नॉट वी ए तो वी ए इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो हमारे पास क्या रह गया है जीके फिर से समझना एक बार हमें क्या बोला गया है कि ईच ऑफ द फाइव स्टूडेंट ए बी सी डी एन डी अटेंडेड आ वर्कशॉप ऑन ईच ऑफ द फाइव टॉपिक्स अब हमें देखिए अगर हम देखें तो ई e के पास हमारे फाइव डेज हैं ओके फाइव डेज हैं और फाइव टॉपिक्स उसे अटेंड करना है तो ऑब्वियस है कि फाइव डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे हमारे यहां पर ओके okay, सेम हमारे डी के लिए यहां पर फाइव डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे इसीलिए हम एक ही प्लेस पर जीडी को नहीं ले सकते क्योंकि आप देख सकते हैं फिर डे थ्री पर और डे फाइव पर हमारा सेम टॉपिक आ जाएगा तो एक ही प्लेस पर क्या आएगा हमारा एक ही प्लेस पर आ जाएगा हमारा जीके यहाँ पर आ जाएगा जीके अब देखिए बी की प्लेस पे मैं वी ए नहीं ले सकता क्योंकि बी ए वी ए यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है ओके बी की प्लेस पर मैं वी ए नहीं ले सकता, क्योंकि, BA, uh, यहां okay? नहीं ले सकता क्योंकि फिर अगेन यहाँ पर भी वी ए हो जाएगा यहाँ पर भी वी ए हो जाएगा तो बी की प्लेस पर क्या आ सकता है मेरा आ, मुझे इस चीज पर भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हमारी वैल्यू सेम ना आए डे वन में तो जी के हो चुका है क्यू ए हो चुका है एल आर हो चुका है वी ए हो चुका है तो हमारे पास क्या बचा है जी डी तो बी की प्लेस पर हमारा क्या जाएगा जी डी अब यहाँ पर क्या बचा हमारा एल आर यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी ए अब देखिए यहाँ पर क्यूए नहीं हो सकता तो यहाँ पर क्यूए आ जाएगा यहाँ पर एल आर आ जाएगा अब सिंपल आप समझ गए होंगे ये हमारा Sudoku टाइप पजल है ओके आ, आप कह सकते फाइव इंटू फाइव ग्रेड है जहाँ पर हमारे रो वाइज और कॉलम वाइज हमारे सेम टॉपिक नहीं आएंगे तो अब हम इसे जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं यहाँ पर हमारा वी ए आ जाएगा अः अब यहाँ पर क्या बचा हमारा यहाँ पर क्यू ए आ जाएगा अब जी के यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा एल आर आ जाएगा अब वी ए यहाँ पर आ जाएगा तो जी डी यहां पर आ जाएगा तो अब एल आर हमारा यहां पर आ जाएगा तो क्यूएल वी ए तो जी के यहाँ पर आ जाएगा अब जी डी हमारा यहां पर आ जाएगा तो QA यहां पर आ जाएगा वी ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो क्यू ए हमारा यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन पर आ जाते हैं on which day of the week did a attend a workshop on qa a attend a workshop on qa on day 4 option number c on which topic did e attend a workshop on day 4 e attend a workshop on day 4 on topic gd so option number a which of the following statements is are true c and d attended a workshop on uh, qa on day 5 and day 2 respectively c and d on day 5 and day 2 respectively yes true

Okay. LR, LR हमारे में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ these तो गाय यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है इजी सेट था okay? काफी हमारे डिफिकल्ट सेट हो गए तो इसलिए मैंने सोचा एक इजी सेट दे दें दे आपको पर फिर भी हमें अप्रोच आना चाहिए क्योंकि न्यू पैटर्न है तो मे भी हमारे पास एक और दो हमारे पास बहुत ही इजी सेट आ जाए जहाँ पे हमें सिंपल हमारा मोटिव होगा कि हम किस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते और जितने कम टाइम में हम उस सेट को सॉल्व कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग